सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? क्या आपको पता है कि शिनचैन का डॉग शिरो एक डॉग नहीं है और डोरेमोन कबर्ड में घुस होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आपको शिनचैन डोरेमोन के रिलेटेड अमेजिंग वीडियोज इस टाइम पर मिलती रहेगी। चलो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि डोरेमोन को डोरा केक इतना पसंद क्यों है। मैं आपको बताता हूँ कि डोरेमोन को डोरा केक इसलिए पसंद है क्योंकि जब डोरेमोन नोबिता के पास पहली बार आया था, तब नोबिता ने डोरेमोन को खाने के लिए डोरा केक ऑफर किया था। जब डोरेमोन ने डोरा केक खाया तो डोरेमोन डोरा केक का दीवाना हो गया, क्योंकि डोरेमोन ने कभी भी डोरा केक नहीं खाया था, क्योंकि 22वीं सदी में डोरा केक मिलते ही नहीं थे, इसलिए डोरेमोन को डोरा केक इतना पसंद है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि रात को सोते समय डोरेमोन कबर्ड में सोता है। वो चाहे तो नोबिता के साथ सो सकता है, लेकिन क्यों नहीं सोता? बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी, लेकिन असल में डोरेमोन नोबिता के साथ इसलिए नहीं सोता क्योंकि डोरेमोन 22वीं सदी से आया था नोबिता के पास, और 22वीं सदी में डोरेमोन के पास अपना पर्सनल रूम था, लेकिन नोबिता के परिवार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो डोरेमोन को एक पर्सनल रूम प्रोवाइड करवा पाए, इसलिए डोरेमोन कबर्ड में सोता ताकि वो अपने पर्सनल रूम वाली फीलिंग ले पाए। आपने शिनचैन को उसका बुरी बुरी डांस करते हुए तो देखा ही होगा, और ऐसे बहुत से डांस हैं जो शिनचैन अब तक इन्वेंट कर चुका है, लेकिन शिनचैन का बुरी बुरी डांस शिनचैन ने इन्वेंट नहीं किया। शिनचैन को बुरी बुरी डांस बुरी बुरी जायमो ने सिखाया है। क्या आपको पता है हैरी की कार कौन सी कंपनी की कार है? बहुत कम लोगों को पता होगा कि शिनचैन की फैमिली के पास मारुति सुजुकी कार है, क्योंकि अगर हम शिनचैन की कार की शेप को इंडियन कार की शेप में देखें तो वो मारुति सुजुकी ही लगती है। आपको जैसे पता है कि शिनचैन की क्रश ननाको दीदी है, वैसे ही कजामा के भी क्रश है। आप लोग इन तीनों को तो जानते ही होंगे, इनकी ग्रुप की लीडर कजामा की क्रश है। कुछ लोगों को लगता होगा कि शिनचैन का पेट शिरो एक सिंपल डॉग है, लेकिन हमें न्यू एपिसोड्स में दिखाया गया है कि शिरो किसी स्टार से अर्थ पे बुराई खत्म करने आया है। शिरो एक रोबो डॉग है और वो अपना ये सीक्रेट सबसे छुपा के रखता है। अगर आपने वो एपिसोड देखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपको पता है कि मसाओ एक टैलेंटेड बच्चा है? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे मसाओ कैसे टैलेंटेड हुआ, वो तो बहुत डरपोक है, लेकिन मसाओ के पास एक बहुत ही कमाल का टैलेंट है कि वो कार्टून डिज़ाइन करने में कमाल का है। मसाओ बहुत ही अच्छे कार्टून बनाता है। मसाओ के कार्टून डिज़ाइन पर एक एपिसोड भी है। आपने नोटिस किया ही होगा कि नोबिता स्कूल में घर के कपड़े पहनकर जाता है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि वो स्कूल घर के कपड़े पहनकर क्यों जाता है। असल में नोबिता 5th क्लास में है, यानी कि स्टैंडर्ड क्लास में, और जापान में रूल है कि स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे घर के कपड़े पहनकर स्कूल में जा सकते हैं। चलो इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को एंड। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।